हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। देखिए, अभी एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है सीपीसीएल में। सीपीसीएल यानी कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि ग्रुप कंपनी है आईओसीएल की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी सब्सिडरी है। इसमें आपका ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल केमिकल मैकेनिकल आईटी सीएस सिविल मेटलर्जी ये सारे एलिजिबल हैं। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जिनके पास डिग्री है, मार्कशीट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2018 है। इसके अलावा एचआर के लिए भी है और सेफ्टी इंजीनियर के लिए भी रिक्रूटमेंट है। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। सैलरी पैकेज आपके सामने लिखा हुआ है, सीटीसी है ये 17 लाख पर एनम। बाकी सारी जो कुछ भी चीज़ें हैं इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए इम्पॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं। 24 सितंबर को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन जो है ये आपका 24 सितंबर 2018 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट है हमारा 8 अक्टूबर 2018। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ये भी 8 अक्टूबर 2018 है। लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग ऑफ हार्ड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ये भी आपका 8 अक्टूबर 2018 है। इसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, जो रिटर्न टेस्ट की जो डेट रखी गई है वो है 11 नवंबर 2018। एप्लीकेशन फीस ₹500 फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड ओबीसी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। इनके लिए कोई फीस नहीं है। और देखिए इसमें क्या करना है, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपका, वहाँ पर आपको हार्ड कॉपीज जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है इसकी फ़ोटो कॉपी सबमिट करनी है, अपलोड करनी है। और वो कैसे अपलोड करनी है, वो सारी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। जैसे सपोज़ आपके पास अगर मार्कशीट है या डिग्री है, तो डिग्री का आप क्या करना है, आपको पहले उसका एक फ़ोटो कॉपी लीजिए, उसके बाद उसमें अपने खुद से साइन करिए, उसके बाद उसको स्कैन करके अपलोड करिए। एज का क्राइटेरिया थोड़ा सा समझ लेते हैं। अपर एज लिमिट जो है मैक्सिमम एज यानी कि 26 ईयर्स एज ऑन 1 सितंबर 2018। जनरल कैंडिडेट के लिए बोला गया है शुड बी बॉर्न ऑन और आफ्टर 1/9/1992, 1 सितंबर 1992 या इसके बाद का बॉर्न होना चाहिए। बाकी सभी के लिए रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन में दिया गया है। बाकी ये है कि जनरल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 26 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1 सितंबर 2018। अब थोड़ा सा वैकेंसीज़ देख लीजिए। केमिकल में आई है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मेटलर्जी है, आईटी ऑफिसर है, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर का है और सेफ्टी ऑफिसर है। अब देखिए टोटल जो केमिकल में वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं 21, जिसमें कि जनरल कैटेगरी की हैं 11 वैकेंसीज। इंजीनियर जो मैकेनिकल के लिए है उसमें आपकी 9 वैकेंसीज आई हैं जनरल कैटेगरी की, 5। इलेक्ट्रिकल में टोटल 5 वैकेंसीज, जनरल कैटेगरी के लिए 2। सिविल में 2 वैकेंसीज, जिसमें कि एक है आपकी जनरल कैटेगरी, एक है एसटी के लिए। मेटलर्जी में सिर्फ 1 वैकेंसी और वो भी एक जनरल कैंडिडेट के लिए। ऐसे ही आईटी में 1 वैकेंसी है और वो एक है सिर्फ और सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर एचआर, जिसमें कि टोटल 2 वैकेंसीज हैं जिसमें से एक एससी है और एक एसटी। इसके बाद सेफ्टी ऑफिसर की 1 वैकेंसी आई है जिसमें कि एक है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो इस तरह से टोटल जो वैकेंसीज हैं ये है 42, जिसमें कि जनरल कैंडिडेट की हैं 21, ओबीसी की हैं 10, एससी की 7 और एसटी की 4। ये तो थी वैकेंसी की बात। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि कोई भी कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि अगर आपने बी सिविल से किया है और इसके बाद आपने एमबीए एचआर में किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्राइटेरिया है। केमिकल फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी इन केमिकल पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स Not less than 60% mark in aggregate of all semester. SC ST के लिए 55% है, बाकी सभी के लिए 60% है।
और इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी है, मतलब कि बीई बीटेक दोनों ही एलिजिबल हैं, केमिकल में हो, पेट्रोलियम में हो और आपका पेट्रोकेमिकल्स। इसके बाद है मैकेनिकल, फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल नॉट लेस देन 60% मार्क्स, यानी कि यहाँ पर भी बीई बीटेक इन मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं जिनके 60% मार्क्स एग्रीगेट हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल का आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि मिनिमम जो आपका परसेंटेज है मार्क्स का क्राइटेरिया वो है 60%। इसके बाद है सिविल, फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी इन सिविल। मेटलर्जी, फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी इन मेटलर्जी। आईटी ऑफिसर, फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यानी कि सीएस वाले भी एलिजिबल हैं, आईटी वाले भी एलिजिबल हैं और ईसी वाले भी एलिजिबल हैं। इसके बाद देखिए एचआर के लिए क्या बोला गया, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ में क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर मास्टर्स डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, मास्टर ऑफ सोशल वर्क यानी कि एमएसडब्ल्यू, मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर ऑब्लिक ह्यूमन रिसोर्स। इसके बाद है आपका सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर में देखिए क्या मांगा है, फर्स्ट क्लास डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर शुड पजेसेस अ डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। देखिए कोई भी ब्रांच में आपकी डिग्री हो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको क्या चाहिए, एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिप्लोमा आपके लिए जो है इसमें बोला गया है, शुड पजेसेस अ डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्लिक अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़। इसके बाद यहाँ पर यह भी बोला गया है, शुड पजेसेस एडिक्वेट नॉलेज ऑफ तमिल लैंग्वेज। तो ये है पूरा इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कुछ भी इसमें मांगा गया है सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। फाइनल ईयर वाले नहीं अप्लाई कर सकते, जिनका अभी बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनका बीटेक कंप्लीट हो गया है, बीई कंप्लीट हो चुका है, जिनके पास डिग्री है, मार्कशीट है। पे स्केल थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखिए कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड इन द आईडीए पे स्केल ऑफ ₹60,000 से 1,80,000, यानी कि ये आपका बेसिक पे है, यानी कि इसको बोलते हैं एंट्री पे, और ये आपका लास्ट पे होता है, जो सबसे आप जब आपका जॉब फिनिश होगा उस टाइम पर आपका जो बेसिक पे होता है वो है। ऑन अ बेसिक पे ऑफ 60,000 ग्रेड ए इन सुपरवाइजरी कैडर सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपको बोला गया है, द कॉस्ट टू कंपनी इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड पे वर्क्स आउट टू अबाउट ₹17 लैक्स पर एनम, यानी कि आपका जो भी आपको अलाउंसेस मिलेंगे, रिम्बर्समेंट जो कुछ भी होगा, आपका मेडिकल का होगा, जो कुछ भी होगा, वो सारा अगर आपको टोटल ऐड कर दिया जाए तो आपका जो सैलरी बनेगा वो 17 लैक्स पर एनम का बनेगा। सीटीसी है ये सीटीसी है, ये इन हैंड सैलरी नहीं होती, कॉस्ट टू कंपनी होती है, इसके बाद कट पिट के आपको मिलती है। अब मोड ऑफ सेलेक्शन देख लीजिए क्या है, सेलेक्शन विल बी मेड थ्रू रिटन टेस्ट टू बी हेल्ड इन चेन्नई ओनली। तो ये ध्यान रखिएगा, रिटन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ चेन्नई में होगा, और रिटन टेस्ट की डेट भी पहले ही बताई जा चुकी है, 11 नवंबर 2018। और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें क्या क्या होगा, आपका डिफरेंट फेसेस ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है, थोड़ा सा इसको थोड़ा पढ़ लीजिए क्या है, 24 सितंबर 2018 को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट है आपका 8 अक्टूबर 2018। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ दियर एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी, फिजिकल डिसेबलमेंट। ये सारी चीज़ें जो है आपको अपलोड करनी है सेल्फ अटेस्टेड। जैसे एज के लिए क्या होगा, एज के लिए आप अपना 10th का सर्टिफिकेट, जो आपका मार्कशीट होगा वो अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, उसका आप फोटो कॉपी लीजिए, उसमें अपने खुद से सिग्नेचर करिए, खुद के साइन करिए, उसके बाद उसको स्कैन करके अपलोड करिए। साइज़ दिया गया है, द साइज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद इन 300 KB। बाकी सारी चीज़ें इसमें क्या दी गई हैं, किसके लिए साइज़ कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ लिखा गया है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली, कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है यहाँ पर, इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी 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 टेक बी एस सी इंजीनियरिंग। इसके बाद क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, जिनके पास 5 ईयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री है, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री बी ई बी टेक प्लस एम ई एम टेक, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं पूरा यहाँ पर लिखा गया है, कैंडिडेट्स हैविंग 5 ईयर्स बी ई ऑब्लिक बी टेक प्लस एम ई ऑब्लिक एम टेक इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रेलिवेंट डिसिप्लिन शुड शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर शैल एज बी एज इंडिकेटेड इन द टेबल अगेंस्ट ईच पोस्ट, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कितनी क्या है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने लायक है यहाँ पर, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड अबव शैल बी कंसिडर्ड एज पर रूल्स नॉर्म्स ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। सी जी पी ए वगैरह अगर आपका वहाँ पर होता है तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है उसको आपको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जो भी परसेंटेज आपका मार्क्स होगा वो सारी चीज़ें अपलोड करनी होंगी। तो ये है पूरा इसका हमारा सिनेरियो, जो कुछ भी इसकी सारी डिटेल मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सब कुछ वहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी पूरा जो कुछ भी है, और एक बार फिर लास्ट में बोलूँगा, अप्लाई करने से पहले एक बार पूरा नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से केयरफुली एकदम एक एक चीज़ समझ लें पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।